राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिष समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष में धन योग की चर्चा के अंतर्गत आज चर्चा तुला वालों की करेंगे। तुला वालों के लिए धन योग कैसे बनता है, उनका आर्थिक विश्लेषण, आय और व्यय के बीच में तालमेल कैसा रहता है। तुला मतलब जब आपके फर्स्ट भाव में सात लिखा होता है तो तुला लग्न बनता है। तुला का मतलब है तराजू। रिश्तों को सबसे ज़्यादा महत्व देने वाला ये लोग होते हैं। कर्क के बाद भावनाओं की सबसे बड़ी राशि है तुला। तुला में शुक्र आपके लग्नेश बनते हैं, जो कि अष्टमेश भी है। ये विडंबना है कि लग्नेश ही अष्टम भाव का मालिक भी होता है। इसके अलावा आपके धनेश बनते हैं मंगल, जो कि आपके सप्तमेश भी है, और शनि बनते हैं आपके पंचमेश और चतुर्थेश। शनि यहाँ पर की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह। शनि तुला में मजबूत होने ही चाहिए। भाग्येश आपके बुध बनते हैं और ये ही 12वें घर के मालिक भी हैं। सूर्य आपके लाभेश बनते हैं, आय के स्रोतों के मालिक सूर्य हैं। यहाँ पर देने पर आएंगे तो बहुत व्यापक रूप से देते हैं, अलग अलग तरीके से स्रोत ये खोल देते हैं। तो शुक्र, मंगल, शनि, बुध और सूर्य ये यहाँ पर धनियों को बनाते हैं। अगर ये ग्रह आपके जन्मांक में कहीं भी संबंध बनाते हैं, संबंध से मतलब इकट्ठे बैठते हैं, इनमें से दो बैठे, चार बैठे, तीन बैठे, या ये एक दूसरे पर दृष्टि डालें, या एक दूसरे के घर में, एक दूसरे की राशियों में हो, भाव परिवर्तन में हो, या एक दूसरे के नक्षत्र में हो, किसी भी तरीके का इनका संबंध धन योग तो बनाएगा। लेकिन दोस्तों, शुक्र, मंगल, शनि, बुध और सूर्य अपने आप में ही ये संबंध विचित्र परिणाम देगा। बुध और शुक्र यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, केंद्र और त्रिकोण में बहुत मजबूती देंगे। लेकिन सूर्य और शुक्र की युति, सूर्य और शनि की युति, मंगल और शुक्र की युति, और इवन शनि और शुक्र की युति, ये अशुभ धन योग बनाएंगे। संस्कार धन के साथ नहीं आएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तुला वालों के लिए कि यहाँ पर धनेश बनते हैं मंगल और लाभेश बनते हैं सूर्य, दोनों ही लग्नेश के शत्रु हैं। कुछ ना कुछ धन के साथ विचित्र जरूर होगा, जो कारण और निवारण जिसका आपको समझ नहीं आएगा। तुला वाले अच्छी तरीके से समझते हैं इस चीज़ को। शुक्र आपके स्वामी, भावना प्रधान लोग, शनि आपके पंचमेश हैं जो कि की प्लेनेट हैं, और गुरु जो कि संस्कार देने वाला ग्रह है, यहाँ पर तीसरे और छठे दो अशुभ भावों का स्वामी है। तो संस्कार जो रहती है तुला में कमी रहती है नेचुरली। तो क्या करना चाहिए दोस्तों कि तुला के वालों को धन सद्मार्ग से आए और सत्कर्मों में खर्च हो, और इन्हीं भावों और घरों से संबंधित कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपने भाग्य को और मजबूती दे सकते हैं, संवार सकते हैं। शनि की मजबूती तुला के अंदर बेहद जरूरी है। हर शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद एक लोहे की कटोरी में आप दो चम्मच सरसों का तेल डालें और अपने लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर को उसमें डुबो दें, जो मध्यमा उंगली है लेफ्ट हैंड की, उसको डुबो दें उसमें, और शनि का वैदिक मंत्र जपें, ओम शंख शनिश्चराय नमः, 10-15 मिनट। इसके बाद पीपल या शमी वृक्ष के नीचे आप इसको दीपक जला दें, लोहे की कटोरी को वापस ले आएँ, मिट्टी के दीपक में तेल को डाल के आप दीपक जला दें, और एक चुटकी काला तिल भी पीपल की जड़ में डाल दें। शनि दोस्तों आपके की प्लेनेट हैं, फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड, शनि की मजबूती बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ईंट का दान या लेबर की पेमेंट, यानी कि जो मजदूरी रहती है, कहीं भी मंदिर, विद्यालय या हॉस्पिटल बन रहा हो तो वहाँ पर आप ईंट का दान या लेबर की मजदूरी, इसका दान अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। ये आपको भावनाओं में बहकर बेवकूफ़ नहीं बनने देगा, ये आपके वैवाहिक जीवन को भी संतुलित करेगा। मंगल आपके ओवरऑल कंट्रोलर है मैरिड लाइफ, मंगल नियंत्रक है, दूसरे और सातवें घर के मालिक, अद्भुत लाभ देगा ये आपको उपाय। इसके अलावा आप एक चांदी का छल्ला अपनी तर्जनी फर्स्ट फिंगर में आप धारण करें। आप शुक्र की मजबूती के लिए सुबह दही खाएं, दोपहर में मिश्री खाएं, हल्का परफ्यूम लगाएं। चंद्रमा आपके दशमेश हैं, शुक्र आपके लग्नेश और अष्टमेश हैं, स्त्रियों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, आप भगवान श्री गणेश की उपासना करें बुधवार को। बुध आपके भाग्येश हैं, साथ में व्ययेश भी हैं, तो बुधवार को आप श्री गणेश को मोदक लड्डू अर्पण करें, दुर्वा अर्पण करें, ओम गम गणपते नमः 5 मिनट जपें, और 5 मिनट ओम भूम बुद्धाय नमः जपें। भाग्य में आपके मजबूती आएगी।
जो रुके हुए काम हैं आपके वो बनने शुरू हो जाएंगे। अपने घर की रसोई में 2 साबुत हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध कर रख दें, इससे भी आपके घर के संस्कार बढ़ेंगे। तुला लगन सबसे ज़्यादा भटकाव पालने वाला लगन है, ये मेरी निजी राय है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो संस्कार देने वाला है, दो अशुभ भावों का मालिक है, और मंगल आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, और सूर्य जो आपके लाभेश हैं, ये सब लगन के शत्रु हैं। तो ये सभी उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, कोई भी तुला वाला इनको कर सकता है बिना ज्योतिषीय परामर्श के डायरेक्ट। ये सभी आपके धन योग बनाने वाले घरों से संबंध रखते हैं, निश्चित लाभ आपका भाग्य संवरेगा इन उपाय से, ज़रूर आप कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, राम राम।